कुन्नू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आखिरी सांस ले ली। ईद बानो वही महिला है जिसकी संक्रमित किडनी की जगह डॉक्टर ने सही किडनी निकाली थी। महिला पथरी का इलाज कराने झुन्नू जिला मुख्यालय के धनकर अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि संजय धनकर नाम के डॉक्टर ने ही ईद बानो का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर जिसने हत्या की है उस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको फांसी दी जाए। झुंझुनू की ईद बानो ने अस्पताल में तोड़ा दम। किडनी कांड की पीड़िता थी ईद बानो। संक्रमित किडनी की जगह निकाली गई थी सही किडनी। तकरीबन 76 दिन मौत से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी हार गई। एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। करीब 2.5 महीने पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनकड़ अस्पताल में ईद बानो पथरी का इलाज कराने पहुंची थी, जहां डॉक्टर संजय धनकड़ ने उनकी एक किडनी के खराब होने की बात कहकर ऑपरेशन किया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान सही किडनी उन्होंने निकाल दी, जिसके बाद ईद बानो की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए जो आरोपी थे इसमें डॉक्टर संजय धनकर, उनको हमने गिरफ्तार भी कर लिया था और चालान भी शीघ्र हमने पेश कर दिया था। अब चूँकि अब जो इसमें परिवादियाँ थी उनकी कल मृत्यु हो गई है, तो हम इसमें कोर्ट में एक एडिशनल एक एप्लीकेशन डालेंगे ताकि इसमें 304 जो पहले वाले आईपीसी में जो 304 धारा थी कल्पेबल होमिसाइड की, वो धारा इसमें ऐड की जाए। इस मामले में संजय धनकड़ नाम के आरोपी डॉक्टर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल डॉक्टर धनकड़ जेल में है। आपको बता दें कि डॉक्टर धनकड़ को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें इलाज में लापरवाही, बगैर न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के ऑपरेशन करना, किडनी निकालने के बाद उसके निस्तारण में बायोवेस्ट कानून की पालना न करना समेत कई आरोप रिपोर्ट में दर्ज किए गए। जिला एवं सेशन न्यायालय से उनकी जमानत याचिका को भी खारिज किया जा चुका है। हालांकि ईद बानो की मौत के बाद परिवार प्रशासन से कुछ मांग कर रहा। परिवार का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो शव को नहीं लेंगे। ईद बानो के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, ईद बानो के पति को संविदा पर नौकरी, आरोपी डॉक्टर संजय धनकड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई के बाद डॉक्टर संजय धनकड़ को फांसी की सजा, धनकड़ अस्पताल में अब तक हुई मौतों की सीबीआई जांच हो। हमारी जो उचित मांगे हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगे मानी जाए, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। वही अब देखना ये होगा कि पीड़िता ईद बानो को कब न्याय मिलता है, प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता में क्या कुछ सहमति बनती है। करसन सिंह से कहा, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू।